आपकी जो मौजूदा असम्बली है या आपके जो इत्तेहादी हैं या जो काबीना के आई डोंट नो लोग हैं उसमें शामिल या नहीं है, तो कैसे ये सारे लोग जो है वो इस लेजिस्लेशन को कर पाएंगे, जबकि ये जरूरत है जब जिस माशरे में जजा और सजा का मामला ही खत्म हो जाएगा तो शूतर बेमहारा जो एहतसाब करने आएगा उसको टॉपल कर दिया जाएगा, तो कैसे लेजिस्लेशन करवा पाएंगे सर? देखिए, स्टेटस को तोड़ने की जिसमें उसका एक पहलू है, एहतसाब उसका एक पहलू है, उसकी प्राइस तो आपको देनी पड़ती है। ये प्राइसलेस जॉब नहीं है। ना हम यूरोप के किसी मुल्क में बैठे हुए हैं जहां पे मोरालिटी के इतने हाई स्टैंडर्ड्स होंगे आप पब्लिक प्रेशर से ही कन्विंस हो जाएं। देखिए, कोशिश जारी है। मैं आपको मिसाल देता हूं, सियासी कारकुन हूं इसलिए ना उम्मीद नहीं होता। इससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का अदारा ऐसे बनाया जाता था कि जितने हमारे 10 अजला थे उनके पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स को कहा जाता था जी एक एक मेंबर दे दिया जाए। सॉरी, इस दफा जो पब्लिक सर्विस कमीशन बना, ना आजाद कश्मीर में किसी सियासी कारकुन को पता था, ना जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बने उन्हें पता था कि वो सुबह पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर नामजद हो गए हैं, और ना आज दिन तक वो मुझे मिले और मैं उनको मिला। और उसका नतीजा क्या है? उसका पहला गैर अतमिनी नतीजा, पिछले दिनों हमारा एक स्पाई है पुलिस का, वो पहले भी देता रहा लेकिन उसका कुछ बना नहीं, इस दफा उसने एग्जाम दिया तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ब्यूरो बन गया। तो अभी एनटीएस की बात मैं करता हूं, एनटीएस में 15 नंबर हमने रखे हुए थे मेरिट का कत्लेआम करने के लिए। सॉरी, जो बच्चा 75 नंबर लेके बच्ची टॉप करती थी उसको मेरिट पे 15 नंबरों में हम पीछे कर देते थे। मुझे 6 माह लगे, मैंने सारे इत्तेहादियों को अपने दोस्तों को कायल किया और हमने वो 15 नंबर खत्म कर दिए। अब क्या है? नो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो बच्चा जितना काबिल है अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और अपने एग्जाम्स की सूरत में पास हो, शाम को लेटर उसके घर चला जाएगा। साहब के हवाले से भी मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने अगर हिम्मत और तौफीक दी, कलम का इख्तियार बहाल रहा, क्योंकि जिस तरह आपने खुल के कह दिया तो मैं भी आपको खुल के जवाब दे देता हूं कि एक साल में अगर 365 दिन होते हैं तो इनके साथ 2 सिफर अगर आप लगा लें तो 33,000 से ज्यादा मरतबा तो मेरे खिलाफ अदम एतमाद की कोशिश हो चुकी है। और जुर्म एक है कि जुर्म यह है कि रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता बंद कर दिया गया। देखिए, तमीर और तरक्की का रास्ता तो खोल दिया गया, लोगों की आरजू मंगों को। देखिए, करप्शन और एहतसाब वो नासूर है जो मुल्क पाकिस्तान और मुल्क को खा जाएगा अगर इसको ना रोका गया। देखिए, जमहूर में लोग हमें टैक्स क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उन्हें 100% ये पता होता है कि ये टैक्सों के पैसों से बैरून मुल्क जायदादें तो शायद खरीदेंगे, अस्पतालों में स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बेहतर नहीं करेंगे, ये पैसा वहां पर वापस नहीं लगेगा।